मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। आज मैं आप लोगों के साथ टेक्स्ट टू कॉलम का एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि हमारे एक व्यूवर है मिस्टर अनिल, उनने मुझसे पूछा है और अपनी फाइल भी मुझे भेजी है। जी हाँ, मिस्टर अनिल के, तो उनके पास प्रॉब्लम क्या है? उनकी प्रॉब्लम ये है कि इनके पास नंबर्स इस तरह से लिखे हुए हैं, भाई नंबर एक ही सेल में लिखा हुआ है, लेकिन इन दोनों के नंबर के बीच का जो सेपरेशन है वो स्लैश का सेपरेशन है, तो मुझे इसको अलग अलग करना है, तो कैसे करें? तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, डेटा मेनू बार में जाते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम, जी हाँ टेक्स्ट टू कॉलम रखते हैं, नेक्स्ट, और यहां टैब के जगह पे यहां हम स्लैश को देते हैं। देखिए ध्यान देखिए, इसमें बहुत सारी चीज अलग नहीं होंगी, जैसे यहां देखिए आपका ई एक्सटेंशन नंबर आपको यही पे आ रहा है, तो आप यहां कॉमा भी एक से ज्यादा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट एंड फिनिश। देखिए आपका ये अलग 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 सेल्स में होगा। तो हमने क्या इस्तेमाल किया? टेक्स्ट टू कॉलम। लेकिन आप देख रहे हैं कई सारे जगहों पे ये सही नहीं हुआ है, मतलब ये इस तरह से है, तो कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, आपको यहाँ सारे नंबर्स अलग दिख जाएंगे, बट यहाँ प्लस वन ही है क्योंकि ये नंबर 12 डिजिट से ज़्यादा का है। सारे नंबर्स को आप सिलेक्ट करके इस पर कस्टम फॉर्मेटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग में हम यहाँ दे सकते हैं एक हैश या जीरो दे दीजिए, सारे नंबर आपको विजुअल हो जाएंगे, तो सारे नंबर यहाँ दिख रहा है। हमने क्या यूज किया? कस्टम फॉर्मेटिंग। तो टेक्स्ट कॉलम में और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो इसके लिए हम अगली वीडियो में बताएंगे। आप हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहें, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी तरह का डाउट हो, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं, और हम आपको टेलीफोन पे, अगर आपकी टॉपिक अच्छी हुई, मुझे टाइम रहा, तो हम वीडियो भी बना देंगे। साथ में आप हमारे पेन ड्राइव को भी परचेज कर सकते हैं, और हमारे साथ जूम के साथ, गूगल ज्वाइन के साथ हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस हमारी ले सकते हैं मेरे साथ लाइव। थैंक यू।